हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग टाइप के बारे में देखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्या कंसेप्ट होता है, और आज हम देखने वाले हैं बुलियन टाइप के बारे में कि बुलियन टाइप का क्या कंसेप्ट होता है और कौन कौन से वैल्यू एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से यूज करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक जो हमने देखा अभी तक, उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग या न्यूमेरिक है वो उसके पास अनलिमिटेड वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। स्ट्रिंग में हम चंदन, मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी डाल दें, मतलब कि किसी भी तरीके बहुत सारे डेटा को हम असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग में या फिर न्यूमेरिक में। लेकिन जो बुलियन डेटा टाइप है, ये केवल दो ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ये आपको माइंड में रखना होगा। ये दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, एक तो होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। इसके अलावा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते बुलियन टाइप के वेरिएबल में। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। सिंटेक्स देख लीजिए, यहाँ पर लेट आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर है ये एक वेरिएबल का नेम है। आप यहाँ पर एक्स वाई जेड, मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी रख सकते हैं, और इसका टाइप हमने कॉलन देकर बुलियन टाइप का बना दिया, और इसमें हमने बुलियन वैल्यू डालने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर बुलियन वैल्यू जैसे ट्रू या फॉल्स रखेंगे तो ये बुलियन टाइप का बताएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारा डेमो डॉट टी एस फाइल, जहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम ले लिया वेर, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ भी ये नेम से वेरिएबल लिया, या फिर इज इस तरीके से इज एक्टिव, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से वेरिएबल ले लीजिए, इसको मैंने बुलियन टाइप का बना लिया, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया ट्रू, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और हमने वेर ले लिया इज अपडेटेड, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल हम ले लिया हमने बुलियन, ठीक है, और यह इसमें हमने डाल दिया फॉल्स, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू चेक कीजिए यहाँ पर कंसोल, ये दो ही तरह का वैल्यू ले सकते हैं, या तो ट्रू असाइन करेंगे बुली, देखिए हमने क्या क्या बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया, इसमें ट्रू पास कर सकते हैं या फॉल्स पास करते हैं, दो ही तरह का कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने इज एक्टिव को रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर हम टाइप ऑफ ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं इज एक्टिव, ठीक है। इसका हमने पहले तो हमने उसके वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और नीचे उसका टाइप चेक कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे हम ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि इज अपडेटेड, ठीक है, इसका भी मैं टाइप ले लेता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ में मैं लेता हूँ इज अपडेटेड, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पर मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, कंपाइल करने के बाद जेएस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही ब्राउजर पर दिखता है, ठीक है। तो एक बार कंपाइल होकर चलिए चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है, ये चलते हैं ब्राउजर में। देखिए, हम ब्राउजर में आ गए, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ट्रू को हम इसने बुलियन बताया, फॉल्स को भी इसने बुलियन बताया, मतलब कि दोनों जो वेरिएबल है हमारा बुलियन टाइप का है, एक तो ट्रू वैल्यू रिटर्न किया और एक फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दूसरा कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैंने वायर ए ले लिया, ठीक है, इसमें मैं ट्रू असाइन करता हूँ, ठीक है, और इसी ए में मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग डालने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल प्रूफ होगा। देखिए, एक ए में मैंने ट्रू डाल दिया तो ये अपने आप बुलियन टाइप का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बता रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं लेगा, नॉट असाइन टू टाइप बुलियन। अगर आपने डायरेक्टली भी किसी वेरिएबल में ट्रू डाल दिया, ठीक है, या फिर मैंने वेर लिया, एक बी लिया, इसमें हमने फॉल्स डाल दिया बिना टाइप बताए, तब भी ये ए और बी जो वेरिएबल है, ये इनका टाइप क्या हो गया, बुलियन हो गया। अगर इसको चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर ए को प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, इसी को कॉपी कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप बी को प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं एक बार कंपाइल करते हैं पहले इसको, कंपाइल करने के बाद फिर से हम चलेंगे ब्राउजर पर। इन दोनों का भी जो टाइप है, ए और बी का भी टाइप बुलियन ही बताएगा।
देखिए रिफ्रेश करते हैं, इन दोनों का भी टाइप बूलियन बताया, ठीक है। मतलब कि अगर आप कोई बूलियन वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल बूलियन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यह तो आपको पता ही है कि किसी भी टाइप के वैल्यू को हम वेरिएबल में डाल देते हैं, तो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाता है जिसे हमें, जिस तरह का हमने डेटा उसमें डाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बूलियन टाइप का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सा वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम बूलियन टाइप के वैल्यू में, वेरिएबल में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।